यार ये तो गिर गई बर्फ। चलो नीचे। भाई पूरा बेंच भर गया है यहाँ पे, इतनी सारी बर्फ ही बर्फ होगी एकदम। ये देखो आवाज सुन रहे हो पूरी? ये जो अपने सामने आपको दिखाया था ये पूरा, देखो मैंने ही अभी करा है वैसे ये। ये देखो ये हुए 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 ये देखो देखो देखो, ये तो बहुत ही पूरा भर गया। ओ भाई सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। सारे लोग नीचे इकट्ठे हो गए थे एकदम से ना बाहर आके, सबने अपने अपने वहां से देखा कि व्हाइट हो गया, तो सारे लोग नीचे गए, भैया स्नोफॉल हो गई है यहाँ पर। तो इफ यू आर अ फैन ऑफ ट्रैवल कॉन्टेंट एंड यू लाइक फन फैमिली वीडियोज तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अबे मैंने ऐसे करा ही था, सबको गुड मॉर्निंग करने वाला था मैं, और वहां पे इसने गुड नाइट कर दी। दौड़ दुम सामान आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, यू आर वाचिंग माइल चेजर्स। मैं हूँ लव, साथ में पड़ी हुई है यशवी जो कह रही कैमरे पे भी मैं ना लूँ उसको, क्योंकि अभी हम जस्ट उठे हैं, हमारी आंखें खोली हैं और मैंने कैमरा उठा लिया। डेडिकेशन कहते हैं इसको वैसे किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही कहते हैं वैसे। हाँ इंग्लिश में तो डेडिकेशन कहते हैं इसको। तो भाई सीन ऐसा है कि यहाँ पर है ठंड, काफ़ी ज़्यादा ठंड, और अभी मैंने सोचा कि चलो एक बार ना चेक करें पहले कि मौसम कैसा है, तो चलो साथ में चल के एक बार पर्दे खोलें, कि मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी धूप है और ये हमारे लिए अच्छा साइन हो सकता है, क्योंकि जैसे रोशनी वोशनी ना तगड़ी वाली दिख रही है। तो लेट्स सी। ये हमारे को ना कल रात को ही डर लग रहा था सारा, कि ये जो हमने कर तो लिया लेकिन ये रात को कमरे में फटने ना लग जाए सोते सोते हमारे। भाई फटते ये लेकिन असली में हमारी। चलो एक बार देखें भाई बाहर की तरफ, देख रहे हो रोशनी रोशनी अच्छी दी रहे, तो लग रहा है धूप है। अभी तो तगड़ा बारिश वाला ही है। अबे यार और बारिश हुई भी हुई है काफी ज्यादा। ये देखो ये अपनी गाड़ी खड़ी है इधर नीचे, सामने रूम से दिखती है तो अच्छा लगता है, गाड़ी देखता रहता मैं बार बार। बट भाई बादल बहुत है, लेकिन अच्छा साइन नहीं है कि इस तरफ से आसमान खुलना शुरू हो गया, तो आई एम गेसिंग कि हो जाएगा यार। तो 9:30 ही हो रहे हैं और हो जाएगा, होप करते हैं, क्योंकि हमें अभी जाना है शिमला। भाई एक चीज दिखाऊं, ए हे 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 खुल गया मौसम, देखो पूरे एकदम क्लाउड्स चले गए हैं काले आले और इतना सुंदर हो रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे ना ध्यान से, तो ये यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, सुंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट अच्छा है यार जाओ ऊपर, यहाँ मतलब यहाँ एक दर अगर आप बीच में देखोगे ना, यहाँ से उठ रहे हैं बादल और ऐसा लग रहा है कि नीचे जैसे आग लगी होती है ना और वहाँ से धुआं उठ रहा हो। यार पहाड़ों की ब्यूटी ना अलग ही होती है, मतलब हर रोज ऐसा लगता है कुछ अलग अलग सा ही देखने को मिल जाता है यहाँ। यार मुझे रेडी होना है, लेकिन इतना सुंदर है ना सामने के मेरे को उठने का ही मन नहीं कर रहा। तो एक बार विंडो से आप बाहर देखो, मतलब ये ना कैमरे में इतना छोटा दिखती है बट बहुत ह्यूज सामने हमारे विंडो है जो पूरी वैली में खुलती है, इतना सुंदर लगता है। और लग रहा है चलो शिमला चले बाहर, इस व्यू के अंदर जाके मजे लेते हैं ना। भाई मैं वॉशरूम में रेडी हो रहा था, मुझे धाड़ की आवाज़ ही, मुझे लगा बंदर बंदर आ गया क्या, लगा तो बांदरी थी। अरे ये क्या किया, क्रीम गिर गई है हाथ से बोली है कहाँ। यार ये उन्होंने इतना सा सजाया, उनका रूम गंदा नहीं करके जाएंगे ना ऐसे। अरे क्रीम एकदम स्लिप हुई खुली, कल से चीजें गिरा रही है वैसे ही, देखो टैग लगा के बैठी हुई है जो काटना ही है। तो काटूंगा तो सही है, थोड़ी चलेगी तुम। एक बार चली गई थी यार। हाँ चली गई थी, टैग लगा के ही चली गई थी एक बार ये। भैया धूप दिख रही होगी लेकिन बादल देखो आने, 3-4 बजे के अराउंड बारिश कह रहे हैं, बट हम अभी जा रहे हैं शिमला की तरफ। हो रही अपनी गाड़ी सामने खड़ी है, निकालते हैं और देखते हैं शिमला का क्या सीन है। इसको 2 मिनट तक कोल्ड स्टार्ट कर ही दें, बढ़िया। हाँ गाड़ी भी गंदी हो रही है यार, बट दैट्स ओके, क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर तो होती है। बट ठंड बहुत ज़्यादा है, आपको लग नहीं रहा होगा यहाँ, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है। इन सेंस हवा इतनी ठंडी है और मुंह से आ रहे धुएँ। अरे तुम ज़रा थोड़ी देर चुप तो रहा करो, चल गए सीधा। यार तो सुंदर लगता है ना पहाड़ों में जब बारिश हो जाए, गीली गीली रोड और मतलब इतने ग्रीन सारा आसपास, बट हमारे को ये कि ठंड है। मैं भी ग्रीन में हूँ आसपास। हाँ तू भी पेड़ बनी हुई है आज। आज मैं पेस्तो बनी हुई हूँ। पेस्तो बनी हुई है, बट हमारे को भी यही है यार कि जाके ना इसके लिए कुछ लेना है, क्योंकि ये सर जी मैडम जी इनफैक्ट मैं कपड़े लाई हूँ अपने, पर मुझे कुछ नया पहनने का मन था जो मैं यही से खरीद के पहन। प्लस मुझे मन है कि मैं जाके ना शिमला की जो शॉल टाइप होती है ना वो लेनी है, वहां से अच्छी अच्छी मिलती है। तो लेट्स सी शिमला चलते हैं। यहाँ से है अपना कोई 11 किलोमीटर शिमला, तो वहां पहुंच के पार्क करते हैं गाड़ी, यार पार्किंग मिल जाए
कह रहे मिल जाएगी, बट लेट्स होप कि ज़्यादा भर ना गई क्योंकि सैटरडे भी है। सो यहाँ पर थोड़ा सा जैम लगा है 5-7 मिनट का, देखोगे ना ऐसे पूरा उधर तक दिख रहा है, तो ये शायद एक साइड करके ना एक साइड निकलवा रहे हैं, बट इतनी सुंदर होता है ना जब, तो पहाड़ों में जैम से भी इतना वो फर्क नहीं पड़ता, लगता है चलो मज़ा ही आ रहा है। यार ये देखो पूरा शिमला दिख रहा है, कितना ही ज़्यादा सुंदर है, और बादल तो बन रहे हैं, 3-4 बजे के करीब से होने वाला बारिश दिखाएगा। गाड़ी लगी है, पार्किंग इतनी सॉलिड बन चुकी है यहाँ पर। टाइम 1 बज गया, थोड़ा दिख नहीं रहा घड़ी में मेरी, थोड़ी बैटरी आज है कम, तो यहाँ ऊपर अगर आप लगाओगे ना 8 घंटे के 200 रुपये हैं, तो मैंने कहा यहीं लगा दो, आधी गाड़ी नीचे जा रही है जो कि 2 घंटे के 35 रुपये। तो यार यहाँ पे देखो सेफ और मुझे लगता है ईजी है, 10 रुपये की टिकट है लिफ्ट की। फाइनली यार डेयर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ का, चलो बहुत ज़माने बाद आ रहे हैं शिमला, बहुत टाइम बाद याद भी नहीं था आखिरी बार कब आए। ठंड है लेकिन मज़ा आ रहा है, ठंड में बहुत मज़ा आ रहा है यार। मार्केट इनकी ना एक्चुअली होती है आज ना, रश नहीं है इतना, वरना पूरा क्राउडेड रहता है। और वो रही ऊपर चर्च, अभी हम उधर ही जाएंगे। और यशवी को ना पेस्तो पास्ता खाना था, और हमारे को ना कैफे मिल गया पेस्तो, हाँ अभी पेस्तो बन के आई है, चले देखते हैं क्या सीन है। टाइप की जगह मिल गई ना हमारे को, क्या कर रही है तू, मेरी ना आँख में कुछ चला गया यार, मुझे कुछ दिक्कत ही हो रही होती है। इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल कैफे यार, यहाँ से तो पूरा व्यू भी आता है नीचे का, बट नाइस प्लेस, अच्छा लग रहा है यहाँ, मतलब सुंदर सा डेकोरेटेड है, चेयर्स भी अच्छी है, वेरी गुड नाइस प्लेस। तो अगर आप आ रहे हो कैफे पेस्तो, आप आ सकते हो खाना खा के, एक बार हम देखते हैं अभी क्या सीन है, क्योंकि जो पेस्तो बन के आई है उसने पेस्तो मंगाया है यहाँ। मस्त लग रहा है यार, खुश हो जाए, कब से पेस्तो खाना था तुमने, दिस इज हेवनली ना, अमेजिंग है। शिमला आ रहे हो स्पेशली आओ पेस्टो पास्ता खाने, और ये कैफे पेस्टो अमेजिंग। इसके चक्कर में वापस जाना पड़ रहा है हमारे को पेस्टो खाने, एक और पेस्तो नहीं खाने जा रहे, वापस जा रहे हैं वहाँ पे अम्ब्रेला छोड़ा है। लव की आदत है हर जगह, मसूरी में भी लव ने अम्ब्रेला छोड़ा और यहाँ पे तूने छोड़ा है, झूठ तो मत, इसने टांगा है वहाँ पर, वापस जाना पड़ रहा है, पूरा आगे तक चले गए थे यार हम लोग, फिर चलो। और ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ शिमला इतना फेमस है, और यहाँ पे बाय द वे गदर की शूटिंग हुई थी इस तरफ, इसके अंदर पूरा, और ये सारे तभी से बने हुए हैं ब्रिटिशर्स के टाइम से ही। ये जा रहा है चर्च की तरफ, रास्ता ऊपर, वहीं चलते हैं अभी यार। आज ना एक्चुअली भीड़ है नहीं इधर इतनी, वरना ये रास्ते में बहुत ज़्यादा होती है, सैटरडे है तब भी नहीं है, ज़्यादा बारिश के चक्कर में लोग आए नहीं। यहाँ से आ रहा है ना व्यू, ठंड हो रही है, मुझे देख के कोई नहीं कहेगा कि ठंड हो रही है, हाँ ये ड्रेस में आई है पर ठीक है, चलते चलते ठीक लगने लग जाता है, पता चल रहा भैया मुझे इतने रील बनाने वाले दिख रहे हैं, सब लोग यहाँ पे रील्स बनाए जा रहे हैं यशवी के, तो यशवी जैसे यशवी के सारे ना इसके तरह के लोग हैं यहाँ पे रील्स वाले, सभी लोग बना रहे हैं, सभी इधर उधर चल रहे हैं, वो देखो वहाँ बन रही है, यहाँ ये भी कह रही है इसको भी बनानी है और अच्छी है यार यहाँ जगह। यार बहुत ही सेक्सी व्यू आ रहा है इधर से, कैमरा घुमाऊँ देखोगे, बारिश वाला मौसम भी है, हाँ थोड़ी थोड़ी सी बारिश के, देखो ऊपर देखोगे ना तो बारिश थोड़ी थोड़ी सी गिरी है हमारे ऊपर, और वैसे भी 2:30 बज गए हैं, तो उन्हें पता 3 से 4 के बीच में बारिश है, तो उसके पहले हम बैठ के हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर लेते हैं, तो ठीक है सब बना रहे हैं, तू नहीं बना रही थी जैसे आधे घंटे से, मैं रील बना रहा हूँ गंदी गंदी, वही तो कह रहा हूँ बनी ही कहाँ है, मिल गई है तुम्हें सॉफ्टी, बहुत अच्छी होती है कि बचपन से खा रहे हैं, बचपन से इसकी फोटो लेनी बनती है पहले इंस्टाग्राम पे, डलेगा ना क्योंकि माइल्ड और चीज़ पे। बारिश शुरू हो गई है, चलो चलो भागो, ये देखो कब से कॉफी ढूंढ रहे थे और मिली 30 रुपए वाली, ऐसे ही पीनी थी और यहीं बैठ के पीनी थी, हाँ। फ्रेंच फ्राइज भी वो आ रहे हैं आगे भाई, हमारे फ्राइज भी एकदम होममेड फ्राइज है, देखो क्योंकि सामने छोटी सी शॉप है और फिर भी कितने प्यारे तरीके से देते हैं यहाँ पे हर चीज़, इनके कैसे भी बना दिया प्रॉपर बैग वगैरह सब कुछ, पकड़ो बैग, कुछ पॉलिटिकल रैली चल रही है इधर, तो
यहाँ किसी के प्रोटेस्ट में पक्की बात जलाया है इन्होंने ना, ये देखो उधर हो रहा है। तो भाई अभी हम आए हैं सोल लाउंज, अच्छा सा लग रहा था, थोड़ी देर बैठना है क्योंकि यशवी थक गई है। अब बोलेगी मेरे जूते गंदे हैं इसलिए थक गई मैं। मैंने ये कहा मेरे जूते गंदे, मेरे जूतों थक गई हूँ वैसे, पर जूतों को गंदा मत। यहाँ से व्यू देखो भाई, चले अच्छा लग रहा है यार। ये यशवी का फेवरेट आ गया मेसे प्लैटर। और सारी चीज़ें तेरे टाइप की क्यों आ रही हैं, मेरे टाइप का क्यों नहीं कुछ ले रहे हैं? हम मेरे बर्थडे के लिए आए हैं। बर्थडे हो गया कल ख़त्म, तो भाई यहाँ पर बैठे हुए थे हम अभी। ठंडा यार है ना, कितनी तेज हवा चल रही है। हवा फाइनली 7 बजे हम निकल रहे हैं वरा आई लव शिमला, बट यहाँ से पार्किंग से बाहर जाना भी थोड़ा हैसल ही लग रहा है मुझे, बट ठीक है निकल जाएंगे। अब चलते हैं अपने होटल जो कि दिखा रहा है आधा घंटा ना। हाँ। चलो भाई, मतलब सामने देख के ऐसा लगता है ना बहुत सारे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई, लेकिन वो पहाड़ पे ऐसे लगती हैं। भाई वापस आ गए फाइनली, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, मगर ये देखो हमने ये अभी फिर भी थोड़े थोड़े रख गए हैं बलून्स, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि अब तो हटानी है ऑब्वियसली, वरना कल आपने देखो तो यहाँ सारे फैले होते हैं ना, तो वो सारे क्लीन हो गए, बट फिर भी थोड़े से बलून्स छोड़ गए हैं। बट अभी हम सोच रहे हैं यार कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद कुछ खा के सो जाएंगे। अगर व्लॉग अभी खत्म नहीं, देखते रहना ठीक है, पूरा देख के जाना, ऐसे नहीं जाना। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाएंगी, आपको पता है यशवी कुछ ना कुछ करती रहती है, तो मोमेंट्स मिस नहीं करने हैं। चले यार, हम तो छाता वाता लेके जा रहे हैं क्योंकि बारिश है, लेकिन हमारे को मन कर गया थोड़ा सा ना बाहर जाने का, तो हमने कहा होगा तो आएंगे अब चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे को दिखा था कि एक चाट वाला था। तुम चाट खाने जा रहे हैं। एक रुक जा, एक ही अम्ब्रेला है भाई, बाहर हो जाएगी तू। यहाँ पे ये इनका कितना प्यारा बना होता है यार, जो उन्होंने एंट्री वाला डेक है। चले यहाँ पे ये है कोई रेड चिली शायद, इस पे ही है कोई, इधर जाकर ना लेट चेक दैट आउट। नहीं रेड चिली तो ये है, कुछ और है, तो आगे जाकर था हमारा जो था। नाम भैया मुझे लग रहा है बंद हो गया, बंद हो गया तो वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं सामने सामने ये जाके चेक करने में क्या जाता है। अब आए हुए यार ना घूमे तो क्या मज़ा भाई, वापस आके वो तो बहुत ही बेकार था। बट बारिश होगी, तेज आवाज आ रही होगी आपको। ओहो चलो चलो बहुत भीग जाएंगे, मज़ा आ रहा है ना, आधी भीग भी चुकी क्योंकि सारा अम्ब्रेला तुम्हारे तरफ है। चलो मैंने ना पूरा तेरे को दे रखा है, पता है पीछे से भीगा हुआ हूं। क्या ओले पड़ रहे, ओले कहां है, ओले ये तो रे सारे छोटे, अरे हां अरे ओले पड़ गए, ओए ये देख। हां चलो, अरे तो बाहर आना सफल ही हो गया, स्नो फॉल हो गई। मेरा मेरा सारा स्टोन गीला हो गया। चलो अबे रुकना, मैं गीली हो रही हूं, सारा अम्ब्रेला तुम लेके बैठे हो। अच्छा उधर से चल के ओले देखेंगे। ओए होए 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 होए, मैं सारा यहां से गीली हो चुकी हूं। मजा आया ना, ये तो जबरदस्त पड़ गए, सफेद हो गया है तो। तो हमारे बाहर के प्लान पे पानी फिर गया, तो ओले फिर गए, तो क्या हुआ हमने यहाँ पे मंगा लिया भाई, इन्होंने ओल्ड स्टाइल से एकदम बना के दिया है। मैं आपको ना खोल के एक बार दिखा देता हूँ, हमने चाइनीज टाइप ही मंगाया है, तो ये है ब्लैक पेपर सॉस हमारी वेजिटेबल्स। अच्छा पहले ये खोलना है, मैं वो खोल रहा था, फ्राइड राइस, और ये मंचूरियन, ये ड्राई है, और वो हमारे गुलाब जामुन है। चलो खाते हैं। पूरा वाइट हो रहा है बाहर, बहुत तेज ओले पड़ रहे हैं, हम नीचे ही जा रहे हैं इसलिए। ओ भाई ये तो इतने साफ वाइट हो गया सारा, ये रैंप मैंने आपको दिखाया था पूरा वो था ब्राउन ब्लैक कलर का ढका पड़ा है वो, ये देखिए पूरा छप वाइट हो गया यार। भाई पूरा बेंच भर गया है यहाँ पे, इतनी सारी बर्फ ही बर्फ होगी एकदम। ये देखो आवाज सुन रहे हो पूरी, ये जो अपने सामने आपको दिखाया था ये पूरा देखो मैंने ही अभी करा है वैसे, ये देखो ये तो बहुत ही पूरा भर गया, ये पूरा भर गया भाई, ये पूरा भर गया। यशवी तो वहीं हड़िया आ ही नहीं रही थी, सारे पैर चप गए इसमें। ओए होए फिसल ही ना जाऊँ, चलूँ वापस, क्योंकि ना बारिश भी गिर रही है साथ साथ, लाइट ही चली गई एकदम। Ooh.
यार देखो मैं ना यहाँ ऐसे खड़े होकर देख रहा था बाहर, और यहाँ इतनी तेज बिजली कड़क रही थी तो मुझे लगा यार कुछ तो मस्त हो रहा है। फिर मैंने इस लाइट के अंदर देखा, अभी नहीं आपको देखा क्योंकि बंद हो गया है, और यहाँ पर ना एकदम ऐसे व्हाइट टेस्ट गिर रहा है। मैंने कहा यार ये कैसे। फिर मैंने इधर गाड़ियों को देखा, अभी भी देखो गाड़ी ढक रखी है, पूरी वाइट हो रही है ऊपर से, देख रहे हो जैसे ये वाली जो गाड़ी है ये ब्लैक गाड़ी, ऊपर देखो छते वते पूरी वाइट हो रही है। तब मुझे लगा यार ये तो गिर गई बर्फ, चलो नीचे। ओ भाई सच बता रहा हूँ मजा आ गया, सारे लोग नीचे इकट्ठे हो गए थे एकदम से ना बाहर आके, क्योंकि सबने अपने अपने वहां से देखा कि वाइट हो गया, तो सारे लोग नीचे गए भैया स्नोफॉल हो गई है यहाँ पर। तो हमें ना ये भी एग्जैक्टली आपको बताऊँ सच्ची बात, तो मुझे भी ये नहीं पता कि स्नोफॉल थी या हेलस्टॉर्म था, इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि जब हम गए तब तक बंद हो गया था, तब बारिश हो रही थी, बट पूरा वाइट ऑलरेडी था और नीचे सारी बर्फ ही बर्फ थी। अब वो बर्फ हेलस्टॉर्म से बनी या स्नो से बनी वीगन से, बट देन मुझे एक चीज़ लगी, हेलस्टॉर्म होता है ना पढ़ के पिघल जाता है, बट पिघल नहीं रहा था, काफ़ी देर तो जमा ही रहा, अभी तक जमा हुआ इनफैक्ट। तो इसलिए सारे लोग उसे मज़े वजे करके हम तो वापस आ गए कि चल ठीक है यार जो भी हमने मज़े कर लिए, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन था जिंदगी में, तो बहुत मज़ा आया भाई यार गदर। तो भाई ये ट्रिप हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप रहा हमारे लिए। और मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, कल हम लोगों ने वापस निकलना है फॉर गुड़गांव, तो कल ना मैं वापस जाते हुए व्लॉग करने नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे था कि यार वापस जाने वाला क्या ही बनाऊंगा ना, है ना, तो आते हुए आपके लिए अच्छा सा व्लॉग बना दूंगी, कुछ सरप्राइज था। और यहाँ का हमने आपको शिमला घुमा दिया भैया, बर्फ दिख गई हमारे को और क्या चाहिए, मज़ा आ गया है, तो सफल एकदम ट्रिप हुआ, बहुत ही खुश है। ठीक है बस कल घर पहुँच जाएंगे हम लोग। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये वाला एफर्ट और अच्छे लगते हैं हमारे व्लॉग्स, तो डू गिव इट अ लाइक और कॉमेंट करके हमारे को बताते रहा करो, फील्स अमेजिंग जब आप अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो, उसको मतलब कोई मैच नहीं कर सकता, तो कॉमेंट्स भी आने दिया करो, बहुत अच्छा लगता है। चाहे सेम कॉमेंट करो भाई, वही पढ़ के मज़ा आ जाता है। बाकी जैसे मैंने बोला है सब्सक्राइब प्लीज़ यार, अपने जिन जिन को करवा सकते हो उन्हें भी करवाओ सब्सक्राइब, 10,000 पहुंचने वाले हैं बहुत करीब है, 10,000 पहुंचेंगे पार्टी है फिर। ठीक है चलो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, वापस से मिलेंगे एक बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग माइल्ड चेजर्स, क्योंकि याद रखो हमारा डायलॉग, आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। और ऐश्वी को दोबारा से हैप्पी बर्थडे आप लिख सकते हो, वैसे वो कल था लेकिन आज भी लिख सकते हो। ठीक है चलो सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।